हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। आज हम कक्षा सातवीं का रुचिरा में पाठ 14 अनारिका या जिज्ञासा इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा केवल उच्चारण के लिए कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें केवल उच्चरित करना है। जैसे मंत्री, कर्म कराहा, भ्रातृणाम, निर्माणम, जिज्ञासा, उद्घाटनार्थम, भ्रात्रा, पितृभ्याम, चिंतयति, नेत्री, ये शब्द थे बेटा। इनको हमें केवल उच्चरित करना था, उच्चारण करना था इनका। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्या महती जिज्ञासा वर्तते, कि कस्या किसकी महती बहुत बड़ी जिज्ञासा वर्तते, जानने की इच्छा है। तो आंसर है बेटा अनारिकाया। कस्या हमारा षष्ठी विभक्ति है तो हम अनारिका की, तो अनारिकाया ये षष्ठी विभक्ति में बनेगा कि अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते, कि अनारिका की बहुत बड़ी जानने की इच्छा है, यानी बहुत कुछ जानने की इच्छा है। सेकंड है मंत्री किमर्थम आगच्छति, कि मंत्री किमर्थम किस लिए आगच्छति आ रहा है। आंसर है मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति, कि मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेतु निर्माणम के अकुर्वन, कि सेतु पुल का निर्माण के किन्होंने अकुर्वन किया है। सेतु हो निर्माणम कर्म करहा अकुर्वन, कि के बहुवचन है प्रथमा बहुवचन, तो कर्म करा भी बहुवचन आएगा हमारा, कि पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेतुः निर्माणाय कर्म करः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति, कि सेतु पुल के निर्माणाय निर्माण के लिए कर्म करः कर्मचारी प्रस्तराणि पत्थर कुतः कहाँ से आनयन्ति लाते हैं। तो आंसर है सेतुः निर्माणाय कर्म करः प्रस्तराणि पर्वतेभ्य, कुतः कहाँ से पर्वतेभ्य पर्वतों से आनयन्ति लाते हैं। नेक्स्ट है के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, कि के कौन सर्वकाराय सरकार को धनम प्रयच्छन्ति धन देते हैं, भी कौन सरकार को धन देते हैं। आंसर है प्रजा, कि जो प्रजा है हमारी वो सर्वकाराय सरकार को धनम प्रयच्छन्ति धन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, कि यहाँ आंसर दिए गए हैं और उन उत्तरों के हमें प्रश्न बनाने हैं। तो फर्स्ट है हमारा अनारिकाया प्रश्न ही सर्वेशां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, कि अनारिका के प्रश्नों से सर्वेशां सबकी बुद्धि चक्र के समान घूमती है। तो प्रश्न क्या बनाएंगे कि किसके प्रश्नों से, अनारिकाया के प्रश्नों से, तो किसके प्रश्नों से। तो अनारिकाया हमारा षष्ठी एकवचन है, तो प्रश्न निर्माण में भी हम क्या करेंगे, कस्याहा, कस्याहा क्यों किया, क्योंकि अनारिका स्त्रीलिंग है। कस्याहा प्रश्नई सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, और लास्ट में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति, कि मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आगच्छति आता है। तो प्रश्न क्या बनाएंगे कि मंत्री किस लिए आता है, मंत्री किमर्थम आगच्छति। नेक्स्ट है कर्म करा सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, कि कर्मचारी सेतु पुल का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा कि कौन सेतु निर्माणम कुर्वन्ति पुल का निर्माण करते हैं। तो क्या आ जाएगा, के क्यों आया, क्योंकि कर्म करा बहुवचन है और के भी यहाँ फिर बहुवचन आएगा, प्रथमा बहुवचन, के सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। नेक्स्ट है कि पर्वतेभ्य प्रस्तराणी आनीय सेतु निर्माणम भवति, कि पर्वतेभ्य पर्वतों से प्रस्तराणी पत्थर आनीय लाकर सेतु पुल का निर्माण होता है। तो पर्वतेभ्य पर्वतों से, तो प्रश्न क्या बनाएंगे किस से प्रस्तराणी आनीय सेतु भी पत्थर लाकर क्या है, पुल का निर्माण होता है। तो पर्वतेभ्य हमारा पंचमी बहुवचन है, किस से केभ्य, और कहाँ से हम कहेंगे पत्थर लाते हैं, तो कुतः, दोनों ही आ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति, कि लोग सरकार के लिए, देश को, सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो लोग किसको
देश के विकास के लिए धन देते हैं सरकार को। तब सर्वकाराय चतुर्थी विभक्ति है किसको, तो यहाँ जनः कस्मै, सरकार पुलिंग है तो पुलिंग में कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, बेटा आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।